YRF की स्पाई यूनिवर्स क्या है, आइए समझाते हैं आपको इस वीडियो में। जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ले पाती है तो दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लेती है और उनकी सरकार बन जाती है, ठीक वैसे ही एक मूवी से ऑडियंस का मैंडेट नहीं आ पाता है तो बाकी सारी मूवीज की खिचड़ी बना के ऑडियंस को मूर्ख मतलब मूवी को हिट कराया जाता है। इसे बोलते हैं स्पाई यूनिवर्स। स्पाई का यूनिवर्स तो है पर सब में एक ही काम होता है, एक हीरो, एक देश का दुश्मन, साइड डिश के लिए आइटम सॉन्ग और ग्लैमर के लिए हीरोइन, बस और कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ अलग होता है तो स्टोरी का प्लॉट और उसके एक्टर्स। अब आजकल की मूवी में हो ये रहा है कि इस मूवी का हीरो इसमें और उस मूवी का हीरो इसमें, सब कुछ मिक्स किया जा रहा है और ये अभी थोड़ा थोड़ा मिक्स हो रहा है और जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं कैमियो। जैसे कि पठान में सलमान आए थे और सलमान की मूवी टाइगर 3 में अब शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। अब देखो भाई बात सीधी सी है, स्पाई यूनिवर्स तो सब कुछ उसमें आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, लेकिन फिल्म बोरिंग ना हो जाए इस वजह से इसमें मसाले बदलते रहते हैं। मसलन वॉर 3 के नए डायरेक्टर अयान मुखर्जी हो गए हैं क्योंकि ब्रह्मास्त्र का परफॉर्मेंस देख के उन्हें बॉलीवुड का ब्रह्मा बना दिया गया है, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ नया आविष्कार कर सके और फिर जो चलता है वो बिकता है। इसी तर्ज पे साउथ के जूनियर NTR को वॉर 3 के लिए साइन कर लिया गया है। तो बात सीधी सी है, नॉर्थ हो या साउथ या किसी भी एक्टर की कैसी भी फैन फॉलोइंग हो, ऑडियंस को रीजन देना है थिएटर तक बुलाने का। अब बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, जिसको जो पसंद है सब मिलेगा, पूरा मेन्यू लगा हुआ है, जिसको जो खाना है वो जाके खा सकता है। वॉर 3 की स्टोरी जहां पर एंड होगी वहीं से शुरुआत होगी पठान और टाइगर 3, दोनों एक मूवी में आमने सामने आएंगे, पठान वर्सेस टाइगर। कुछ अलग ही स्टोरी होगी लेकिन विलन तो इन दोनों में से कोई नहीं होने वाला है, ये तो पक्की बात है। पर इन सब के बाद जो होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और भी बहुत सारे स्टार एक नई मूवी में दिखेंगे एक साथ, स्पाई यूनिवर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। होगा ये कि धीरे धीरे सारे स्टोरी का प्लॉट और उसके एक्टर्स को आगे जाकर एक साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर होगा महायुद्ध जिसमें देश के शानदार महान जानदार योद्धा और देश के दुश्मन सारे लोग एक दूसरे के सामने होंगे, लेकिन इन सबसे पहले हर स्पाई मूवी की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 ब्ला 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 बनती रहेगी और उसके बाद आप फुल कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन किस मूवी में घुस रहा है और कौन मर रहा है और कौन इस मूवी में कैमियो कर रहा है। मूवी बनेगी हजारों करोड़ में लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट और VFX और उसका हार्डवर्क देख के पता नहीं चल पाएगा कि आखिर पैसा खर्च किया गया है कहां पर। अब फिर फाइनली हम अपनी टिकट की वैल्यू रिकवरी के चक्कर में सीटियां और तालियां बजा के हॉल से वापस आ जाएंगे और मूवी सुपर डुपर हिट। स्पाई यूनिवर्स का रायता मतलब कि कहानी बस इतनी सी है, अब चाहे इसे फैलाया जितना भी जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप भी फैला दो इसको और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो करना है जल्दी से कर लो। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जल्दी ही, तो टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।